सर दे कांट अरेंज चेयर्स मतलब यहाँ पे और एक सर प्रो क्या कुछ कहना चाहेंगे शो को लेके इसके किस प्रकार का शो है और कौन कौन इस शो में होंगे और क्या कुछ कहना चाहेंगे कितना आपको प्रोडक्शन मिल रहा है कितना आपको एलर्जी मिल रही है कैलोरीज मिल रही है क्या कुछ कहना चाहेंगे इस शो को लेकर। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा इस टीम का जिन लोगों ने एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा आने के लिए सपोर्ट किया रजामंद हुए और ये कहा कि नहीं ऐसा ऐसे किसी शो की ज़रूरत थी जहाँ पे हम सब इकट्ठा देखें सबको इंडिविजुअल लेवल पे किसी को बिग बॉस की तरफ से किसी को बड़े बड़े शो की तरफ से इनविटेशन आ रही थी लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पे ये सब इकट्ठा जो ये दिख रहे हैं 4-5 लोग इनके पीछे 100 मिलियन की स्ट्रेंथ है जो आज किसी भी बड़े स्टार के साथ भी हुई। तो जब डॉन सिनेमा मैंने और डॉक्टर अली रानी साहब ने प्लान किए तो हमने ये सोचा था कि यार क्या करेंगे किस तरीके से इस OTT प्लेटफॉर्म को नेटफ्लिक्स हॉटस्टार के लेवल पे जाके खड़ा करेंगे। लेकिन जब हमें मौका मिला आमिर भाई ने हमें ये आइडिया दिया कि टिकटॉक हाउस प्लान करते और ये लोग तो मेरा एक्साइटमेंट लेवल मेरा ब्लड डॉक्टर साहब ने इतनी दवाइयाँ दी थी जो काम नहीं कर रही थी लेकिन इन लोगों ने सारी दवाइयाँ इकट्ठा ला के इंजेक्शन लगा दिए विटामिन का और मैं शुक्रगुजार हूँ। ये कल के स्टार थे हमेशा हम कहते थे कि आने वाली जनरेशन एक नया स्टार देती है तो मैं यकीन से दावा से कहता हूँ ये सिर्फ मेरे प्लेटफॉर्म के आर्टिस्ट है इसलिए नहीं कह रहा हूँ दे आर रियल स्टार ये 1-to-1 ऑर्गेनिक लोगों तक पहुँच रहे हैं और 100 मिलियन इज़ नॉट अ स्मॉल ये फैजू भाई हसनैन भाई सोहेल भाई फैज बलूच भाई आमिर भाई और इनके पीछे और 10 लोग खड़े हैं जो यहाँ पे मौजूद नहीं है तो ये सब मिलके हमने जो प्लेटफॉर्म सोचा था कि एक लेवल पे हम शुरू करेंगे इन लोगों ने उसकी रीढ़ की हड्डी बन के उसको इतना मजबूती दे दी कि अब बड़े बड़े लोग हमारे पीछे आ रहे हैं कि यार इस प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच गाइस जो हमें आप लोगों ने इतनी खुशी के साथ में इतनी रजामंदी के साथ में इकट्ठा लगा और आपको भी थैंक यू सर थैंक यू सो मच प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म तो हम लोगों को चाहिए था कि हम लोग सारे इन्फ्लुएंसर एक साथ रहे सो स्वीट ऑफ एंड ये मस्ती होंगी ये लोग मुझसे पूछते थे यार क्या बिग बॉस जैसे हमने स्टार्टिंग में 2 बिग बॉस में हम जुड़े हुए थे तो हमसे कहते थे यार क्या बिग बॉस के टक्कर का क्या है तो बिग बॉस चल रहा है सलमान खान की वजह से होस्ट की वजह से ये शो रहेगा जो एग्जैक्टली इन लोगों की रियलिटी बाहर आएगी सर और वी स्पेंड आवर लोगों को तो जानना है कि हम कैसे रियल है क्या रियल लाइफ में कैसे रियल लाइफ में कैसे और हमारे सतीश जी भी हमारे पार्टनर्स हमारे साथ में प्लीज आ जाइए भाई थोड़ा सा डॉक्टर साहब आपसे भी जानना चाहेंगे किस प्रकार का शो है और क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या मेरा फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है कभी बोलता हूँ 1 और 1 2 हो सकता है लेकिन यहाँ 1 और 1 11 होगा। दोस्तों आपसे भी जानना चाहेंगे इस शो के बारे में कितना एक्साइटेड है क्या कुछ कहना चाहिए खास करके जब ये ग्रुप एक साथ होता होगा और जब लोग आप काम करते करते एंजॉय भी करते होंगे अपना कि केवल काम करना है तो कितने एक्साइटेड है इस शो को लेकर। सबसे पहले एक्साइटमेंट की बात है तो हम जा रहे हैं मलेशिया इंडिया के बाहर हो रहा है और सबसे अच्छी बात ये है कि हम मतलब इतने बिजी हो जाते हैं हम लोग कंटेंट ढूंढने में और बनाने में तो वहाँ तो सब साथ में हम सभी कंटेंट ही है तो वहाँ पे कितने कंटेंट राइट सारे लोग एक साथ जब दिखेंगे लोगों को स्क्रीन पे दिखता है कि मैं इंडिविजुअली कैसा हूँ ये इंडिविजुअली कैसा है इधर पे सबको दिखेगा कि ये लोग एक साथ रहते हैं तो स्क्रीन पे कैसे दिखेंगे। प्लस ये चीज़ बहुत एक्साइटेड हम लोग और भी बहुत सारे ग्रुप्स आने वाले हैं प्लस जो 07 ग्रुप है और आमिर भाई का ग्रुप है हालांकि हम मेरी लॉन्च पार्टी में हम लोग मिल चुके हैं और बाकी जो इन्फ्लुएंसर है जिनको अभी हम लोग ने सिर्फ पोस्टर में देखा है तो अभी तक मिले नहीं है तो उनका नेचर कैसा होगा वो कैसे रहेंगे हमारे साथ अंदर वो देखना बहुत बहुत मजा आएगी। और ये इन लड़कों के लिए बहुत सारी लड़कियां भी है ग्लैमर तो प्लीज ये सिर्फ लड़के लड़कों का शो नहीं है इनके साथ में बहुत हसनैन को आपको पहली बार लड़की के साथ क्या कुछ कहना चाहेंगे आप कितने एक्साइटेड है इस शो को लेकर और कुछ कहना चाहेंगे
कुछ तैयारी कर रखी आपने? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये शो को लेके, पहली बार तो कि हम लोग सब एक साथ जा रहे हैं और एक अलग जगह जा रहे हैं बाहर, और रियलिटी शो है पहली बार ऐसा होने वाला, तो बहुत मजा आएगी। और हसनैन भाई ने ना शो के पैसे नहीं मांगे थे, बोले 3 फिरंगियां दे देना। सर ये सच नहीं है, सच नहीं है, सच नहीं है, सच नहीं है, मतलब धुआं निकल रहा है तो आग तो कहीं ना कहीं लग रही है। सर आप क्या कहेंगे इस शो को लेकर, कितना एक्साइटेड है, खास करके पैजू का जब गठबंधन होता है, कहते हैं महागठबंधन है ये, मलेशिया में क्या होने वाला है? मलेशिया में इतना खुश है कि वो फर्स्ट टाइम बाहर जा रहा है, तो उसके पास कुछ है नहीं बोलने को। मैं एक्साइटमेंट इसके लिए कि वहाँ पे फोन भी यूज होगा। पहली बार ऐसा कोई शो में होगा कि फोन यूज हो रहा है, पैकेज ऑफ एंटरटेनमेंट होगा। क्वेश्चन ये था रियलिटी शो को लेके, अंदर फोन मिलेगा, बात कर पाऊंगा। बट शिफा इज आल्सो देयर, राइट? या ब्रेकिंग न्यूज़, शिफा इज आल्सो कमिंग इन द शो, या गाइस, तो फिर लोग रात में बात करेंगे फोन। हां सर, गर्ल्स एंड गाइस सेपरेट रहने वाले ना? कौन बोला? सेपरेट रहेंगे ना, देख रहे हो भाई का रिएक्शन, देखो बोलने का बोल रहा था, बोल के फोन बोला। तो ये मस्ती वाला शो है। हां, अगर आपसे जानना चाहेंगे कि जब ये सब सब इकट्ठा होंगे, कोई उधर फोन पे लगा रहेगा, जब मैंने बोला ना कि जब फॉर एग्जाम्पल फैसू भाई, हसन भाई, अदनान, फैज बलोच, सुहेल, शिफापा, सो जब इनका ना एक टाइम होता है, मस्ती का टाइम अलग है, लेकिन जब वो काम का टाइम आता है ना, 3 से 7 का जो टाइम है, हम लोग सनलाइट में वीडियोज बनाते हैं, सो इनको अगर फोन भी करोगे ना आप, तो बोलेंगे सर 2 मिनट बात करना, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। सो दे आर वेरी डेडिकेटेड टू देयर वर्क। सो जैसा रहा शूट की बात, तो मेरे को इतना भरोसा है फ्रेंड्स लोग के ऊपर कि उन लोग सपोर्ट करेंगे इसके अंदर पूरी तरीके से। Am I right guys? 100% आया। मैं वो तो आप क्या कहना चाहोगे? सर मेरे लिए इतनी फिल्में करने के बाद में, इतना डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद में, ये शो मेरे लिए रियली एक्साइटमेंट है। मैं असल में मेरा एम था, जब मैं डॉक्टर साहब के साथ में ईरान और सारे हम घूम रहे थे, फिल्में जमा कर रहे थे, तो हमारा उस वक्त में एम था 2000 फिल्म लेकर आ रहे हैं, 70 वेब सीरीज़ ला रहे हैं। डॉक्टर साहब का एक शो है इसमें घर घर डॉक्टर, तो उसमें हम मेडिकली हेल्प कर रहे हैं लोगों की। जब ये टीम मुझे मिली तो मुझे लगा कि यार ये मेरी धड़कन थी, इस ऐप की ये धड़कन थी जो मुझे इस वक्त मिली, अब ये धड़कने लगी। तो सच में मैं कह रहा हूँ, कोई बड़ी बातें नहीं कह रहा हूँ, इतने लोगों के साथ, अमित जी से लेके हर स्टार के साथ काम किया है, ये टीम ने मुझे एक्साइटमेंट किया। पिछले में 15 दिन से सब कुछ भूल के सिर्फ इनके चक्कर काट रहा हूँ, इनको पकड़ना, ये इकट्ठे इधर लाना, ये सब में मेरे अपने आप का बड़ा खेल था। और डॉक्टर साहब 8 बजे सो जाते हैं, सुबह 6 बजे हॉस्पिटल में मिलते हैं, इनको रात को उठा के ये बोले, हमारी रीवा अरोरा जी आई है लखनऊ से स्पेशल, ये टीम इकट्ठा, तो अगर शो में ये इकट्ठा दिख गए तो क्या होगा? ये माहौल सिर्फ अभी 15 मिनट में इतना माहौल बन गया है, तो शो में क्या माहौल बनेगा? ये एक्साइटमेंट है। और एज एन प्रोड्यूसर मुझे खुशी है कि ये, मतलब क्या करने वाले, मैं आपको बता सकता हूँ, ये इतने अपने आप में कैरेक्टर्स है ना, कि ये हंगामा जब करने को रहा है तो किसी के बाप को रोक नहीं सकते। वहाँ पर आप लड़कियों को नहीं देखेंगे, इन लोगों को देखेंगे, इतनी गारंटी है। लड़कियों को और हस्ते का हो चुका है।